गुरुग्राम से दो दोस्तों के साथ गोरखपुर आए कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की सोमवार देर रात पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। आरोप है कि जांच का विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की थी, उनके दोस्तों को भी पीटा था। हालत खराब होने के बाद पुलिस मनीष को लेकर एक निजी अस्पताल गई थी, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस से अकेले ही भेज दिया था, जहां डॉक्टर ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। देर रात ही पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मंगलवार पूरे दिन और देर रात तक काफी नोक झोंक के बाद पुलिस ने इस मामले में रामगढ़ताल थाने के निवर्तमान थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, चौकी इंचार्ज फलमंडी अक्षय मिश्र और कांस्टेबल विजय यादव पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा तीन अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं मंगलवार को इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया, साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। इससे पहले मंगलवार दोपहर में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने घटना में लापरवाही बरतने की बात कहते हुए इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और चौकी प्रभारी फलमंडी अक्षय मिश्रा सहित 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। साथ ही मामले की जांच एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी को सौंपी थी। एसएसपी का कहना था कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस पूरे दिन मनीष और उनके दोस्तों की पिटाई से इनकार करती रही। उसका कहना था कि जांच के दौरान लड़खड़ाकर गिरने से मनीष को चोट लगी, जिससे उनकी मौत हो गई, लेकिन मनीष की पत्नी मीनाक्षी इसे हादसा मानने को तैयार नहीं थी। हादसे की खबर पाकर गोरखपुर पहुंची मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि होटल के कमरे में जांच करने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मनीष की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके उन्हें गंभीर चोटें आई थी, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। यह हत्या है और पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। बाद में उन्होंने केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। इसके बाद भी जब पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो वह परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई और शव ले जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जाकर पुलिस ने मामले में तीन पुलिस कर्मियों को नामजद करते हुए हत्या का केस दर्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार अपने पति का शव लेकर कानपुर पहुंची मीनाक्षी ने वहां पर शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया तथा आर्थिक सहायता राशि 50 लाख करने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रही है। फिलहाल गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा प्रस्तावित है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके सभी मांगों को पूरा कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए मामले के जांच अधिकारी व एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल का जो मनोज गुप्ता की हत्या हुई थी उसमें सर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है? तीन नामजद पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध और तीन अज्ञात अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई साक्ष्यों के आधार की जाएगी।